प्रवीण छत्रसाल स्टेडियम। आदरणीय चौधरी रामकिशन ताड़ जी, राज सिंह पहलवान जी, भारतीय कुश्ती के बहुत बड़े स्तंभ यशवीर जी, पहलवान राज सिंह जी और हमारे बहुत ही सम्मान के योग्य है जिन्होंने इस आयोजन में, इतने बेहतरीन आयोजन में अपनी आहुति डाली है, वो हमारे सभी और यहाँ उपस्थित सभी पहलवान और कुश्ती प्रेमी, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। मैं एक विशेष बात गुरु रविनंदन ब्रह्मचारी जी के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे 3-4 बार गुरु जी से मिलने का मौका मिला। इलाहाबाद के नजदीक एक गांव में उनका 1921 में जन्म हुआ था और मेरे ख्याल 1955 में वो गौ माता की सेवा करने के लिए यहाँ दिल्ली में आए थे। कृपात्री जी महाराज की जो कृपात्री जी महाराज जिन्होंने गोरक्षा आंदोलन चलाया था, गुरु रविनंदन जी उसमें शामिल हुए थे और 1955 में दिल्ली में आए। और एक बहुत बड़ी बात जब मैंने उनसे जाने गुरु जी से, तो मैं हैरान रह गया। वो बहुत ही पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे, उस समय के एमए साइकोलॉजी और एमए हिंदी। उस समय एमए साइकोलॉजी होने का मतलब ये था हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर लग सकते थे, किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लग सकते थे। लेकिन उनकी दो ही इच्छा थी, बताते थे बेटा दो ही इच्छा है मरते दम तक, कुश्ती की सेवा और गौ माता की सेवा। और वो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से की। जब भी उनसे घंटों बात होती थी, मेरे सामने कभी किसी पहलवान या कोच या किसी की बुराई नहीं की। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी गहरी बातें, ये जो हमने साहित्य बनाया है ये गुरु रविनंदन ब्रह्मचारी जैसे विद्वान लोगों से हमने जान के, और उनसे भी पहले जो विद्वान थे उनसे हमने पूरा ज्ञान लेकर एक एक अखाड़े में पूरे देश में घूमकर से बनाया है। ये कहीं मैंने घर बैठ कर नहीं लिखा, और लगभग हिंदुस्तान के 22 लड़के इस साहित्य से सहायता लेकर रिसर्च पीएचडी की डिग्री करके। मैं कोच साहब को, भैया साहब को, जिनके अखाड़े में ये इतना बड़ा बढ़िया आयोजन हो रहा है, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो अक्सर इस तरह के आयोजन करवाते रहते हैं। और जो हमारे जो रह गए जैसे अशोक पहलवान जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे जो इस अखाड़े में, कुश्ती के अखाड़े में जो इज्जत दी, जो मेरा सम्मान किया, वो मुझे याद रहेगा। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद दलाल साहब। और कुश्ती की एक महान शख्सियत राजू पहलवान अखाड़ा गुरु बद्री, राजू बाबू वाले हमारे बीच में पहुंचे हैं। राजू पहलवान का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो इस कुश्ती में 2 रेड के हैं और 4 ब्लू के।